ओटीपी दोस्तों वेरीफाई करते हैं आपका। यहाँ पे देख सकते हो कि डिटेल्स जो है फिलअप हो जाएगा और आपका ऑर्डर जो है दोस्तों यहाँ से SBI का अगर चेकबुक ऑनलाइन अप्लाई करना है तो बहुत ही सिंपल वे में बताया हूँ कि कैसे आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का चेकबुक जो है दोस्तों 25 पेज या 50 पेज का आप इजिली ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। जो भी उसका चार्जेस है उसमें ऑलरेडी बता दिया हूँ, तो वीडियो क्लास तक आप जरूर देखिएगा। अगर आप चेकबुक अप्लाई करना चाहते हो ब्रांच में बिना गए हुए तो इजिली आप ऑनलाइन भी कर सकते हो। तो वीडियो पे बने रहिएगा, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगा। तो चलिए शुरू करता हूँ वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो सबसे पहले करने का है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, फिर से आपको आना है यहाँ पे, आपको डालना है SBI इंटरनेट बैंकिंग लॉगिन और सिंपली यहाँ पे आ जाएंगे। पहले अपने SBI का इंटरनेट बैंकिंग को एक्टिवेट नहीं किया है तो सिंपली वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आई बटन के ऊपर भी लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे जाकर आप देख सकते हो कि SBI इंटरनेट बैंकिंग कैसे एक्टिवेट करना है। एक्टिवेट करने के बाद दोस्तों कंटिन्यू टू लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे, जो भी अपने यूजर आईडी बनाया होगा यहाँ पे यूजर नेम डालना है, पासवर्ड को डालना है, यहाँ पे कैप्चा को फिल करके लॉगिन के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। लॉगिन के ऊपर क्लिक करने के बाद जो भी आपके अकाउंट के अंदर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा उस नंबर के ऊपर एक OTP आएगा, OTP को यहाँ पे डालना है। डालने के बाद सिंपली सबमिट के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। सबमिट के ऊपर क्लिक करते ही आपके सामने कुछ इस तरीके से ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। सिंपली आपको करना क्या है, रिक्वेस्ट एंड इंक्वायरी का ऑप्शन है, सिंपली इस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा चेकबुक सर्विस का, सिंपली इस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा स्टॉप चेक पेमेंट, यानी कि पहले किसी को भी अगर चेक दे रखे हो या फिर से पहले पुराना कोई चेक है तो उसको यहाँ से स्टॉप कर सकते हो, या फिर से आप चाहे तो नया चेक को इशू करने के लिए चेक बुक रिक्वेस्ट के ऊपर क्लिक करना है। सिंपली आपका यहाँ पे अकाउंट नेम दिखाना स्टार्ट कर देगा, यहाँ पे इसको सिलेक्ट करेंगे। अब दोस्तों आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपका चेक का जो लिमिट होगा यहाँ पे शो करना स्टार्ट कर देगा, जो मैक्सिमम चेक के थ्रू जो पेमेंट है आप कितना कर पाओगे। 10 लाख तक आप चेक के जरिए जो है पेमेंट किसी को भी कर सकते हो। नंबर ऑफ चेकबुक कितना आपको चाहिए, सिंगल चाहिए, तो अलग अलग चेकबुक का अलग अलग यहाँ पे दोस्तों प्राइस देखने को मिल जाएगा। जैसे देख सकते हो 25 पेज का लोगे तो आपको यहाँ पे पड़ेगा ₹3 पर पेज, और वही अगर आप 50 पेज अगर कर देते हो तो यहाँ पे ₹2 पर यहाँ पे पेज के करीब करीब शायद पड़ेगा। इसके बाद आपको सिंपली करना क्या है, यहाँ पे 25 या 50 पेज आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लेंगे। सिंपली इसके बाद सबमिट का जो ऑप्शन है सिंपली इस पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आपके सामने कुछ इस तरीके से ऑप्शन शो करना स्टार्ट कर देगा। पहला ऑप्शन आएगा सिलेक्ट डिलीवरी एड्रेस, चेक बुक विल बी सेंड, तो पहला है रजिस्टर एड्रेस, उसके बाद लास्ट अवेलेबल डिस्पैच एड्रेस और न्यू एड्रेस, ये तीनों ऑप्शन मिलेगा। रजिस्टर एड्रेस में ये है कि जो भी आपके अकाउंट में अपडेट होगा रिसेंटली जो भी अपडेटेड होगा एड्रेस उसी एड्रेस पर डिलीवर होगा, या फिर से अगर आपने कभी एड्रेस को चेंज करवाया है उस एड्रेस पे, यानी कि लास्ट टाइम जो भी जहाँ पे भी डिस्पैच हुआ था उस एड्रेस पे चाहते हो तो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो, या फिर से अगर आप कहीं और रह रहे हो वहाँ का आप एड्रेस पे आप डिलीवर करवाना चाहते हो तो न्यू एड्रेस पर सिलेक्ट करके आपको एड्रेस यहाँ पे फिलअप करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे जैसे देख सकते हो तो मेरा रजिस्टर एड्रेस है, यहाँ पे सिंपली इस पे क्लिक करेंगे तो जो भी आपका आधार कार्ड पे डिटेल्स होगा, जो भी KYC आपने कराया होगा वो आपको एड्रेस यहाँ पे शो करना स्टार्ट कर देगा। सिंपली यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करेंगे। सबमिट का जो ऑप्शन है सिंपली इस पे आपको क्लिक कर देना है। सबमिट के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके मोबाइल नंबर के ऊपर एक OTP आएगा, OTP को डालेंगे। डालने के बाद सिंपली कंफर्म के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। OTP दोस्तों वेरीफाई करते हैं आपका। यहाँ पे देख सकते हो कि डिटेल्स जो है फिलअप हो जाएगा और आपका ऑर्डर जो है दोस्तों यहाँ से क्रिएट हो जाएगा। विद इन 1 वीक के अंदर अंदर जो है दोस्तों आपको आपका चेकबुक दोस्तों है मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप आसानी के साथ आप SBI का चेकबुक जो है दोस्तों ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। काफी ज्यादा आसान प्रोसेस है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको ऐसे बेस्ट कंटेंट मिल सके। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।